आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? वैसे आप कहाँ से रहे हैं आप लोग? उत्तराखंड बटे आ रहे हैं हम, और दिल्ली जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के पास। अरे वाह, उत्तराखंड नाम सुनते ही ना ऐसे लगता है जैसे हम ना ऊंची पहाड़ियों पे पहुंच गए हैं। वो ठंडी हवाएं, वो बर्फीली चोटियां, वो देवी देवताओं के थान, कितने सारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना उत्तराखंड में। जैसे ही मुझे कोई बोलता है ना, कोई कस्टमर गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। यू आर सो लकी यू बॉर्न इन उत्तराखंड ना। हाँ जी, एम तो है ही, छप छुप है हमारा उत्तराखंड, पर खैर भी बहुत है यार काम करने में ना। ये जो फंचे लेके आ रही हूँ ना मैं, ये कद्दू के फंचे या ये माल्टे के फंचे, ये गेट के फंचे, ये सब रिश्तेदारों को देना है ना दिल्ली में, तो वो इस बार आ नहीं पाए लॉकडाउन में। सब घबरा रहे थे कोविड के चक्कर में, और तब कोई आया नहीं, और मैंने बड़े झोले, और मैंने बोला मैं ही देके आती हूँ, पर उसको करने में जरा खैर आती है ना। बाकी तो छप छुप है ना हमारा उत्तराखंड, सुंदर है ना। हाँ घुमा करो, आप खूब घुमा करो ना उन्हें। वैसे अगर किसी बड़े शहर में उत्तराखंड से बाहर किसी उत्तराखंड वाले को पहचानना हो एक बारी में देख के या उससे एक बारी में बात करके, तो कैसे पहचान सकते हैं? मतलब कुछ क्वालिटी बताइए ना जो पहाड़ियों में होती है वो हमको, मतलब पहचानना हो किसी अनजान आदमी को कि ये पहाड़ी है, तो कैसे पहचान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं? एक तो ऐसी कि उसकी मुखड़ी में ना हमेशा ना हंसी रहेगी ना, हंसते ही रहते हैं ना हम लोग, तो हमेशा वो तुमको ना हंसते हुए दिखेगा ना। ओ, मतलब मुस्कुराते हुए मिलेंगे हर टाइम, गुड। और क्या क्वालिटियां होती हैं? और क्या बताऊं मैं आपको भैजी यार, क्या समझाऊं मैं आपको ना। एक तो हंसते हुए रहते हैं, और दूसरा हर बात पे ना बल बल लगाते हैं, हर बात के पीछे बल बल लगाते हैं, ठहरा ठहरा लगाते हैं, और हर बात पे माँ की कसम खाते हैं, है ना। और ज्यादा दिखावे वाले नहीं होते ना, सिंपल होते हैं। और दूसरे क्या होता है, और जैसे हिंदी में बोल रही हूँ ना, ये वाले टोन भी आती है उनके हिंदी में, है ना। गोरे चिट्टे भी होते हैं ना जरा, और आंखें भी थोड़ी थोड़ी छोटी होती है, और बाकी भारी मैलू होते हैं, छप छपे होते हैं, मयलू होते हैं, है ना। और बाकी मतलब कि यारी दोस्ती नहीं रखते ना किसी से, सबसे ना प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, और लड़ाई झगड़ों में ना जरा कम ही रहते हैं, तो ये तो बेस्ट क्वालिटी है। और बाकी तो मेरी तरह होते हैं जरा ना, गिच्ची चलाने के लिए ना चबड़ 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 ना। मयलू मतलब गिच्ची मतलब मयलू मतलब क्या बताना मैंने भेजी आपको। मयलू मतलब ना मासूम। हाँ भैया ये मासूम ही बोला ना। हाँ मासूम, मयलू मतलब मासूम होता है। अरे गिच्ची मतलब होता है गिच्चू। अरे गिच्चू तो गड़ोली भैया। गिच्ची मतलब मुँह। हाँ मुँह चलाने वाले ना थोड़ा, मतलब सब नहीं है पर मेरी तरह कितली पितली जो रहती है ना वो जरा ऐसी रहती है, वो भले लोगों के साथ भले रहती है। जिन आप भले मानुस लग रहे हैं ना अभी तक, तो आपके साथ में भली हूँ। जरा से तुम तेज बने तो तब मैं तुम गड़ोली लक्ष्मी भाई भी बन जाऊंगी ना, तो ये हमारा ना जरा नेचर होता है ना, ये नहीं होते हम लोग ना। नहीं मतलब मेरे लिए क्यों लक्ष्मी भाई, समझा नहीं मैं। मेरे लिए क्यों लक्ष्मी भाई बनोगे आप? दा मैं ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी भाई बनूंगी, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि तुम गुण पूछ रहे थे ना कि पहाड़ियों के गुण बताओ, तो एक गुण हमारा ये भी है कि भले मानुष के साथ ना हम छप छपी करके बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, अपना समझ के ना सभी उसे बचा लेते हैं, पर जब कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है ना, ये वो समझता है कि अरे लाटे हैं ना, इन्हें बेटे आए हैं तो वैसे ही होंगे, तब हम उसके कपल ही डंगाने के लिए ना लक्ष्मी भाई भी बन जाते हैं। हाँ दिखेने के होते हैं हम शरीफ, शरीफ के साथ शरीफ रहते हैं हम, और जो जरा तेज बनता है ना उसकी खुपड़ी डंगा देते हैं। एक दा ऐसे तुम्हारी तरह कोई बैठा हुआ था, और आधे रास्ते पर तो खूब लाया वो गाड़ी, और आधे रास्ते बाद उसने गुटकी लगा दी ढाबे में, और उसके बाद मेरे से चकर 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 करने लग गया, और नंबर मांगने लग गया, रलनी बात मांगने लग गया। उसके बाद जो मैंने उसके बाटे की धरी ना, तो उसकी ना तीन साखियों तक, साखी मतलब आपको पहले बता देता हूँ, तीन जन्मों तक ना उसके पूर्वज याद रखेंगे कोई लक्ष्मी भाई टकराई थी उनसे। आपकी आवाज के टोन तो पहले बहुत कम थी, अब एकदम से ऐसे हाइपर हो रहे हो आप। मैं तो जस्ट पूछ रहा था, फालतू में हाइपर मत होइए। ना ना हाइपर क्यों होना है, पर मेरे को एक चीज बताओ दी, ये तुमने अपनी गाड़ी के पीछे क्या लिखा रखा है? ये स्टेटस लिखाना जरूरी है कि कौन ठाकुर है, कौन पंडित है, ये गाड़ियों के पीछे लिखाना अच्छी बात है क्या? हम पहाड़ियों की एक बात ये भी होती है, हमारे गांव में चले जाना तुम दूर दूर तक, हम कभी नहीं दिखाते अपने गाड़ियों के पीछे कि हम ऐसे है, हम वैसे है, ये गाड़ियों के पीछे स्टेटस लिखाना जरूरी है क्या? एक देश है, एक देश की तरह रहो। कोई ठाकुर लिखा रहा, कोई पंडित लिखा रहा, कोई अलाना लिखा रहा, कोई फलाना दिखा रहा है। जब से मैंने उत्तराखंड छोड़ा है तब से गाड़ियों के पीछे ये दिख रहा है चुपचाप। आज जबर मिटे उतर ना, मतलब मेरे को जब उतारोगे उसके बाद मिटा देना इसको, ये फालतू के ड्रामे अच्छे नहीं लगते। एक इंसान बन के रहो तुम। ये बोला
बाकी हम गाड़ी रोक ले रहे, ये भूखल कब रात हो गया, ये सुबह दूर बैठ खाई छिन 3 बजे, क्या ढाबा में रोक दे यार, भारी भूख लगी भाई छिपे, ये कचर पचर तो पचूत भी नहीं मैया, तो कुरकुरा फुरकुरा खा दी हमें, तो जम्मा सुंदर नहीं लगता भाई, रोक रहे बुला का कि मैं सुंदर ढाबा में रोकी और बार बार पिसाब लगी मैया। जी माता जी जी रोक रहा हूँ मैं, अपने स्पीकर रहिए, कोई बढ़िया सा ढाबा देख लेता हूँ ना तो वहाँ पे रोक देता हूँ, अपने स्पीकर रहिए, रोक रहा हूँ मैं। छोरी क्या रहता, दिमाग ही खराब रहे ना, अनजान लुकू दगड़ के एक वांछा वे दगड़ तड़का बात करनी है, झगड़ा करनी वे दगड़ है, क्या क्या झगड़ा क्या क्या, तू तो है लाती माँ, तेरे को पता नहीं है मैं पहले इच्छता जाती हूँ कौन कैसा है कौन कैसा है, वो मेरे दगड़ पहले सुंदर बात कर रहा था और बाद में मेरे को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने उसको ऐसे डराया ना कि अब बोल ना कुछ भी नहीं बोलूँ तो समझे पड़ोसन रस्तों में सुधी नहीं चले रस्ते में, तो मेरे क्या था सीधी बेजी बेजी बोली दिल्ली बोली ली जा नाम तक चंडीगढ़ मुंबई पता नहीं कगली चालू, क्या बाबा बिगड़ थे ना कक्षी नीले जान मिल तू है बटे देख ले नीले जान मिल तू दिल्ली, अरे ये ढाबा में कुछ ऑर्डर न कर यू ना 30 रुपए ऑर्डर हो बल 300 रुपए बिल कर दिन, इले ये मैं कुछ ऑर्डर न कर ये जख्म बस रुक दिन वख में ना यू फालतू को लुट दिन है। हाँ यार मेरी दगड़े में बोल जाई कि खतोली बला एक ढाबा बोलिए चा कि मैं 30 रुपए परोठा ऑर्डर करो और 300 रुपए बिल बना दिन बोलू, ओ तो कितनी सही जगह पहुंच गई, अब इस ढाबे वाले को करना पड़ेगा मेरे को सीधा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को लूटेगा, देख तू किधर उदमी एक माठे बोल अगले एपिसोड में बदल में ढाबा बोलते। हाँ जी तुम्हें पहुंच गए खतोली मार में आन छो दिल्ली, और क्या होगा जब एक ठेठ पहाड़न पहुंचेगी दिल्ली में और पालिका बाजार में जाएगी शॉपिंग करने के लिए और दुकान वालों से भिड़ जाएगी, सेंट्रल पार्क में जाएगी घूमने के लिए और उसके बाद वहाँ क्या हंगामा मचेली, इस सब दिखने को आप देखिए गबरोल पहाड़ी कॉमेडी थे यूट्यूब में सब्सक्राइब करना पड़ो लो, तो पहला एपिसोड एक दिन छोड़ी के मैं डालने वाले छो तो तब तक आप इंतजार कर और गबरोल पहाड़ी कॉमेडी थे यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट में अपना आइडिया बताओ, तो ठेठ पहाड़न आनी दिल्ली, दिल्ली वालों सावधान बोलो कितनी पार्टी की जय।